ओके सो हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप टेलीग्राम से अगर डाउनलोड कर दो तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, यानी कि मतलब मैं सेंड कर देता हूँ। अगर जैसे कोई भी फेस्टिवल वगैरह चल रहा होता है या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे एडिटिंग चल रही होती है तो उसका बैकग्राउंड पेजेस मैं वहीं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग वहाँ जाते हो तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। बाई गाइस अगर आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी एक्सेस वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए एडिटिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड इस चैनल में वीडियोस आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देन आपको ऐड फोटो में जाके आपको गाइस अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? एंड गाइस जैसे आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो आप सभी को जो कुछ स्टोरी के आपको बैठा देना है। इसमें गाइस थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया था मेरे रेस करते वक्त, तो मैं उसको रेस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? बाकी उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना। एंड गाइस डुप्लीकेट बनाने के बाद उसको आपको लेकर चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, इसका अमाउंट जीरो करके आपको एक डुप्लीकेट बना के साइड में रख लेना है। देन आपको जो दूसरे वाला आपको उसको लेके जाना है ऐसे दोबारा इफेक्ट में, नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है। देन आपको कलराइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे यू जो है यहाँ पे येलो कलर में लिया है इसका, ठीक है? एंड उसके बाद आपको सिंपली ऐसे रख देना है। देन उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इन्वर्ट कर देना है इसको। देन आपको यहाँ पे जो साइज वगैरह अपने हिसाब से रख लेना है, जैसे कि मतलब यहाँ पे मतलब हार्डनेस एंड ओपेसिटी और जो साइज है वो आपको 2 तक रखना है, ठीक है? देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो रिम लाइट क्रिएट करनी है, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से। तो गाइस मैं तो आपको यहाँ पे मतलब गाइस कुछ स्टेप से सिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वीडियो भी थोड़ी फास्ट कर रखी है, क्योंकि गाइस ये जो काम है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लंबा खींच जाता है, यानी कि अगर मैं इसकी पूरी वीडियो अगर डालता ना यहाँ पे तो वीडियो जो हमारी कभी कम से कम आधे घंटे की वीडियो बन जाती। तो इसलिए गाइस मैंने जो है ना आप लोगों को इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के मैंने जो है बता रखा है कि आप कैसे बना सकते हो रिम लाइट, तो उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको उसमें इजीली समझ आ जाएगा कि आपको कैसे बनानी है रिम लाइट, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो एक डुप्लीकेट और बनाएंगे, अभी जो हमने जिसमें रिम लाइट बनाया है उसका हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे। पहले जो ये एरिया है इसको हम रेज कर लेते हैं नीचे वाला, ठीक है? अब यहाँ पे जो हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। एंड ये डुप्लीकेट हम इसलिए बना रहे हैं, पहले इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि गाइस इसमें जो है ना अभी हमें एक लाइट भी क्रिएट करनी है इससे हमें, तो बताता हूँ आपको। इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, एंड उसके बाद आपको पहले पूरा रिमूव कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जो यहाँ पे साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है, एंड जो फिर उसके बाद आपको जो है साइड में ऐसे ऐसे पेंट करना है इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि गाइस पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा गाइस जो मतलब लाइट वगैरह जो है उसकी जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, दिखाने के लिए मैं आपको लाइट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, एंड इसको रखना है ऐड, ठीक है? ऐड रखना है यहाँ पे। एंड इसका जो ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना, क्योंकि ऐड में जो है वो ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो बाकी इसको डाउन करके जो नीचे वाला उसको ले लेना है आपको। सो यहाँ से हम ले लेते हैं, अब इसका ब्लेंडिंग मोड भी हम ऐड रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे हम, सो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जो यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को जो दूसरे वाला था जो हमारा ये, इसको आपको सिंपली सेम साइज में ले जाकर रख देना है। एंड आपको इसका इसका यूज़ किस लिए करना है मैं बताता हूँ, आपको उसको शेडो के लिए यूज़ करना है, क्योंकि गाइस आप जब शेडो बनाओगे तो आपके जो पैर वैर है ना वो भी थोड़े से जो यहाँ पे डार्क करने हैं आपको, इसलिए मैंने पीएनजी बनाने के लिए बोला है, ठीक है? बाकी अब मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो अभी हम चलते इसका इरेजर टूल में लेके एंड इसको इन्वर्ट करते हैं, फिर इसका ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेंगे, एंड उसके बाद हम साइड साइड में इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमें मतलब शेडो की जरूरत है वहाँ वहाँ पे पेंट करेंगे इस तरीके से। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको ऐड फोटो में से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है। देन आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन करके इसको मूव डाउन कर देना है, एंड इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शैडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस शैडो क्रिएट करने के ऊपर मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है? उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ से हम फटाफट कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ से जो है परफेक्ट, ठीक है? अब इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे, इतना रख लेंगे, ठीक है? अराउंड 58 तक, एंड बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया उसको रेस कर लेते हैं, एंड बाकी ठीक है इतनी शेड हो भी। तो अब क्या करना है गाइस आप लोगों को यहाँ पे सिंपली जो है मतलब कि जब इतना हो जाएगा आपको तो आपको फोटो को आपको डन कर लेना है, ठीक है? क्योंकि अभी इसमें जो है हम स्मोक वगैरह भी लगाएंगे, क्योंकि जो मतलब नीचे की साइड में आपको स्मोक दिख रहा होगा जैसे गाड़ी के नीचे। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं स्मोक,
एंड आपको जो है जिसको क्या जो पॉइंट दिख रहा है ना ये वाला, आपको इसको सिंपली ऊपर की तरफ कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इसको बाद कर देना आपको इसका डुप्लीकेट, एंड इसके बाद इसके दूसरे वाले का ओपेसिटी कम करके एंड कुछ इस टाइप से एंड कर देना डन। फिर इसके बाद गाइस आपको ऐड फोटो में जाके एक लाइट की पीएनजी ऐड करनी है जो कि आपको गाड़ी में लगानी है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके पहले स्क्रीन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक इस तरीके से लगेंगे थोड़ा बड़ा करके, एंड एक डुप्लीकेट और करेंगे एक, इसको लगा देंगे हम इस जगह पे, एंड परफेक्ट है यहाँ पे। तो अभी हम इसको करते हैं डन। अब गाइस इसको सेव कर लेंगे एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। सो गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद पहले आपको जाना लाइट वाले ऑप्शन में, देन आपको जो इसका पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को माइनस करना है, एंड जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा कम कर देना है, वाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। फिर चल जाना कलर्स में, फिर वाइब्रेशन बढ़ा देना आप सभी को, एंड टेम्परेचर थोड़ा सा कम, एंड मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर लेना है इसका, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको लेना है ऐसे डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आपको येलो कलर लेना है, इसका जो सैचुरेशन आप चाहो तो माइनस भी रख सकते हो, बट इसको माइनस मत रखना, मेरे को ऑरेंज टोन पसंद है तो मैं ऑरेंज में रख करूँगा इसको, तो इसका ह्यू माइनस कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ऐसे डन, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें कलर का हमें कोई काम नहीं है, बट हम इसमें रेड में जो थोड़ा लिप्स वगैरह थोड़ा सा कर लेते हैं ब्राइट, तो यहाँ पे ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ल्यूमिनस भी, ठीक है। एंड उसके बाद अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम थोड़ा सा जो है इसके कलर ग्रेडिंग वाले टूल में चलेंगे, एंड उसके बाद पहले चलेंगे यहाँ पे मिड टोन में, सॉरी हाईलाइट में चलेंगे, हाईलाइट में जाने के बाद हम इसका जो सैचुरेशन पहले इंक्रीज़ करेंगे, एंड जिसका टोन जो है ना हम इसको रखेंगे यहाँ पे ग्रीन के पास रखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को फिर चल जाना मिड टोन में, इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा कलर बेस्ट लग रहा है। मेरे को तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि अराउंड हम पहले एक बार ब्लू में देख लेते हैं, सो ब्लू में इतना खास नहीं लग रहा है, तो हम इसको रखेंगे येलो टोन के पास, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको कर लेते हैं डन। अब गाइस इतना हो जाने के बाद हम जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम क्लियरिटी इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी सी, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा विग्नेट डालेंगे इसमें फोटो के अकॉर्डिंग, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे नहीं तो नकली लगेगी फोटो। एंड उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा सा मिड टोन है जिसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो फीदर है इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, फुल मतलब फुल बढ़ा देंगे बिल्कुल। एंड नीचे वाले टूल में जाएंगे थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ा देंगे, फिर जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में एक बार, थोड़ा सा कर्व टूल को भी छेड़ लेते हैं यहाँ से, कर्व में जाएंगे एंड यहाँ से येलो कलर सॉरी जो ब्लू कलर है इसका जो हम थोड़ा सा ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम हल्का से नीचे की साइड में लाएंगे, अराउंड इतना रखेंगे, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। सो इतना रखेंगे, अब जो है एक नीचे से भी थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं एंड डन, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब जो है हमारे यहाँ पे फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।